भैया मुंडन चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। सपने देखना एक बात है और सपनों को साकार करना एक दूसरी बात है। परमात्मा ने मुझे ये सपना दिखाया एक ऐसी मनोरंजक फिल्म का जो बॉलीवुड के इतिहास में आज तक नहीं बनी, मगर वो पूरी तरीके से बॉलीवुड के इतिहास की इज्जत करती है। एक प्रेजेंट डे की पिक्चर है पर उसके पीछे पूरी की पूरी हमारी जो ट्रेडिशन है और उसकी ब्लेसिंग भी है, उसकी शुभकामनाएं भी हैं। एक ज़बरदस्त एंटरटेनर है और सेंसेशनल है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कृष्णा अभिषेक जी का और पायल घोष जी का, जिन्होंने ऐसे पात्रों को जिनको जीवंत करना बहुत ही कठिन है, ऐसे पात्र आम जिंदगी में देखने को मिलते नहीं हैं, मगर हम बड़े पर्दे पर ऐसे ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं और देखते आए हैं। ये फिल्म सुपर स्टारडम को एक नए मतलब देगी और आज के दर्शकों को आज के सुपरस्टार देगी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आगे कृष्णा जी इस पर अपने विचार व्यक्त करें। अशोक जी का हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इन्होंने इस फिल्म में जो हमको रोल दिया है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोल्स जितनी भी फिल्में की हैं या टेलीविज़न शो किए हैं। हमेशा एक एक्टर को होता है कि अलग अलग तरीके के रोल करे, बट आई थिंक ये रोल जो है इसमें इतना कुछ अलग है करने को एक्चुअली में, कि मैं बहुत एक्साइटेड था अशोक जी की स्टोरी सुन के। और पायल जी, आपको कैसे ये पिक्चर ऑफर हुई और आपको अपने रोल के बारे में क्या लगता है? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट रेड। जब अशोक जी और राजीव जी ने मुझे आके नरेशन दिया था, सो आई लिटरली फेल दैट आई शुड बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड अशोक जी इज़ सो इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस फिल्म एंड द विजन दैट ही हैज़, विच इज़ लाइक आई कैन ऑलवेज से लाइक विच इज़ बियॉन्ड आई हैव एवर सीन। आई हैव डन सो मेनी मूवीज टिल टुडे, बट वेन आई सी द वे ही नैरेट इट एंड हिज विजन, विच इज़ इवन if we take it even 2025 to 2030, then also this film will be very much be acceptable by the next generation as well. Rajiv ji is a stylist head of this movie as well as the producer, and he is so creatively indigenous that the way we have done the photo shoot today, and I'm feeling so overwhelmed and excited. And when it comes to Krishna, he's super amazing co-star. Means the kind of chemistry that we are developing every day looks like that we are gonna blast the screen. So I'm looking forward for this film, and to Surendra Jagtap ji and everybody associated with this, it is all their hard work as well along with us. So really looking forward. I'm sure it's gonna be a best movie of 2021. Thank you, and to Rajiv ji. Yeah, thank you so much. I'm also excited. I'm enjoying every bit of this, and I'm really excited to see Krishna in this new avatar. I think he's come out now and he's showing his colors as a hero, as a star. And I'm really excited and happy to see Krishna doing what I used to imagine that he can do, because I used to see him as a comedian. I loved him. We've seen a lot of comedy, we've seen a lot of, you know, the buffoonery acts, but he has that other thing which he's not opening. Jaise brain ke do hisse hote hain, ek hissa isne abhi kholna shuru kiya hai mere ko lagta hai, aur Red is the most appropriate film for him to come out and really express what he has not shown to the world, and this is really going to showcase the real Krishna. He is actually a star, a hero, but ye kahin kho gaya tha, abhi aa raha hai filmon mein pure hero ke roop mein, and that's what is really kicking me. And Payal Ghosh, is everybody knows, she's a star. She's got a wonderful face, Indian beauty. According to Ashok ji, she's Madhubala, and she's really performing. She's proving to be. And Krishna is Rajesh Khanna multiplied by Amitabh Bachchan. मतलब एक एक सुपर नो मैनी टाइम्स ओवर गोविंदा जी. गोविंदा इज वेरी टैलेंटेड, बट ही हैज गॉट अदर एडवांटेजेस विच गोविंदा जी डज नॉट हैव, एंड दैट इज हिज हाइट, एंड ऑल्सो एंड आउट ऑफ द एंटायर गोविंदा जी फैमिली
ही इज द पर्सन हु हैज गॉट हिज इंडिविजुअल अपीयरेंस वेयर एज रेस्ट लुक लाइक गोविंदा जी ओनली ही लुक्स डिफरेंट एंड ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड आई एम प्लीज्ड टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव बीन academically understanding the how superstardom takes place, how anybody was superstar in his own time. I have done research on that, and on that research I have created this character, and it was very difficult to find an actor who could enact that character. That character is so much larger than life, and it was almost impossible. But then I realized ki Krishna can do it. Yeah. And I narrated the subject to him very skeptically. I thought ki he would feel reserved, you know, about playing a character of a killer. But he loved the story. The credit goes to him. And I predict on this juncture that he is our new superstar. After today's photo shoot, yeah, I have on this auspicious Thursday, 7th of January, I know I have seen with my own eyes, and I withdrew because I was overwhelmed with emotion when I realized that vision has become so powerful that even in my absence, you know, it takes the shape in the right direction. That was the most, and I congratulate you for the wonderful shots. Thank you, sir. Thank you. I'm really amazed. Both of us. Both of you. Both of you. I think I also have the best co-star, so that is why. No. It is an extraordinary star pair, which I think Harish ji, I would. You have clicked so many star pairs, and you yourself, you know, felt ki today a new, you know. Star pair, you know, compatibility, the compatibility and the chemistry and the electricity, you know, flowing out of the combined, you know, photograph. I have not seen for a very, very long time. And I would not like to confuse them by giving any example because I want to retain the spontaneity, the spontaneity of it. It is like, it's as magical as so many, but if you will quote them, so we will be blocking them, you know, they are doing it so well. So God bless both of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And thank you so much to Rekha Surendra Jagtap, Surendra Jagtap ji, who are backing this film, Chandrakant Pawar ji. So we should really be happy that we've got wonderful producers who are backing this film. Yes. And Surendra Jagtap ji is one of the main persons. Yes. Jaise thriller film mein aadmi ek end mein nikalta hai, jo aapko pata hi nahi chalta. और बोलते हैं मेन विलन यही था तो ये गुप्त की काजोल हैं हमारे सुरेंद्र जगताप जी मिताली के लिए मिताली को बोलो एंड हमारा फोटोशूट जो है उसमें देखिए इतने डिटेल में हमारे डायरेक्टर काम करते हैं कि उन्होंने कोरियोग्राफर को भी बुलाया है यहाँ पे मिताली को मिताली ने कई सारे गाने किए मेरे साथ भी एंड दिस इज आई थिंक द we are doing a third, fourth film together. I also worked with Mitali in Yes. Love. We had wonderful Bhaiman time. Love. Rocked. Yes, fantastic yes. Fantastic. So the choreographer is also here. She also helped ke tongue kahan honi chahiye. Aur haath kahan hona chahiye. Inhone sab bataya. Mujhe na hona chahiye. Haan. To jitne humare step the sab inhone bataya. Mitali ji aap bataiye kuch. Aaj ke shoot ke baare mein. Bataiye. Mic thoda dur hai. थैंक यू ओके सो आज का शूट आई होप सक्सेसफुल राजीव सर मनोज वेरी गुड सुपर्ब हाउ डू दे फील अबाउट द शूट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड कृष्णा एंड पायल बोथ वर अमेजिंग इट गॉट इजियर फॉर मी टू वर्क विद देम क्योंकि दोनों कैरेक्टर काफ़ी समझ रहे हैं खुद का और बहुत ही डीपली उन लोगों ने फील किया एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू रियली पोर्ट्रे एंड जैसे उन्होंने बोला टांग कहाँ कैसे रखनी है हाथ कैसे रखने हैं सो इट रियली हेल्प्ड मी टू मेक दम अंडरस्टैंड इट वॉज अ फैब्युलस स्टार्ट एंड वी गोना हैव अ फैब्युलस जर्नी अहेड और आप देख रहे हैं हम इतने सारे लोग बैठे हैं सिर्फ हमने ही मेहनत नहीं की है हनी भल्ला जी भी हैं यहाँ पे इन्होंने भी 5 घंटे बैठ के फोटोशूट देखा है तो आराम से कुर्सी पे बैठ के फोटोशूट देखना भी एक बहुत बड़ी कला है oh my God.
वरना लोग आधे घंटे में उठ जाते हैं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन ये डटी रही कि मुझे और भी किस वाले शॉट देखने हैं, ये भी करिए वो भी करिए। तो ये हमारी ऑडियंस थी आज की पूरे फोटोशूट की। हाँ इंस्टेंट, हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने कोई ऐसी मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज सबको मिलकर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर फोटोग्राफर, उनके लाइटिंग, उनके आर्टवर्क, हरीश दफ्तरी सर, उन्होंने जो मैजिक क्रिएट किया वो आपको बहुत ही जल्दी दिखेगा। ये फोटोग्राफी जो है हमारी this photography is following the photography of the film. The way the, I have explained to him. आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एडिटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं, ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो बड़े बड़े पोस्टर आप देखते हैं जो सिनेमा हॉल में जब से तब से लगते आ रहे हैं जब से फिल्में बननी शुरू हुई थी, आई थिंक ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से ही। तो फोटोग्राफर इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फोटोग्राफी की दुनिया के अमिताभ बच्चन से हम आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है हरीश दफ्तरी सर। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को, मतलब बड़े बड़े कलाकारों को कहूँगा, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर ये भी फोटोग्राफी के स्टार हैं, तो बड़े लोगों ने इनके साथ शूट किया, इन्होंने भी सबके साथ शूट किया है। मेरे करियर की शुरुआत में भी एक फ़ोटो शूट किया था जब प्रोड्यूसर मुझे साइन करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो शूट करते हैं, तभी उस फिल्म के डायरेक्टर भी अशोक जी ही थे। तो ये पीछे पड़ गया प्रोड्यूसर के, प्रोड्यूसर ने बोला ये कौन सा लड़का है, ये 20-22 साल का लड़का, इसको कहाँ नेगेटिव रोल दे रहे हो। इन्होंने कहा नहीं यही करेगा, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आप ना फ़ोटो शूट करो, तब मुझे बताओगे कि हम इसको पास करना है कि नहीं। तो हरीश जी के हमने तब फ़ोटो शूट किया था, और तब इन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि नहीं यार ये लड़के को ले लो फिल्म में, तब जाके मैंने वो फिल्म साइन की थी। देना है क्योंकि इनके हिसाब से मैं नेगेटिव बंदा हूँ, लोग मुझे पॉजिटिव समझते हैं, लेकिन तो अभी सर को पूछेंगे हरीश जी को। तो ये मैंने पुरानी बात इसलिए बताई क्योंकि आज वो ऐसे ही डेजा वू होता है ना, तो मैं मुझे ऐसे ही लग रहा था यहाँ पर आने के बाद में। खैर मैं इसलिए एक्साइटेड था आज इनके साथ शूट करने। अब आपको कैसा लगा सर? सर आई वॉज वेटिंग द डे अशोक जी टोल्ड मी दैट ही हैज साइंड कृष्णा फॉर दिस फिल्म। आई वॉज वेटिंग वेन आई शुड शूट विद हिम, एंड आई गॉट दिस चांस टू शूट विद हिम टूडे, which I think since last 3 months wait, almost 3 months wait, तब जाके ये shoot आज complete हुआ है। and that also इसके साथ में एक bonus भी है, और वो है पायल, such a brilliant performer, such a brilliant beautiful girl, दोनों की chemistry is mind blowing, and this will show in Ashok Ji's film, because Ashok Ji's film is really rad, will make everyone red. Yes. Three cheers to red. Hippe pure. Hippe pure. Hippe pure. इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। वाह वाह वाह। उसके अंदर हाउसएवर हैप्पी कंटेंटेड, आपके अंदर से खुशी निकल रही है। ऐसे आप फील करो, यू हैव टू थैंक योर सेल्फ एंड कन्वर्ट, जो भी गाना चल रहा हो उसमें कभी इधर कभी उधर, और इसके हिसाब से करते रहो। और ठीक है, One, two, three. Very good. Yeah. Oh my God. One, two, three. Yeah, yeah.
काम कम यू करते हाँ ये यस सुपर थोड़ी पर्सनल बुला लूंगा ना शूटिंग कब मेरे को ही लेके आना पड़ेगा आप आ जाइएगा ना प्लीज आइए सैटरडे को हाँ परसों आप 10 को जा रहे हैं ना मैं 10 को 9 को दिन का शूट है हाँ कोई फिल्म आ रही है तो जया प्रदा और पुराने लोग आ रहे हैं हाँ राज बब्बर जी है हाँ ये लोग सब लोग हैं बहुत सारे लोग हैं तो आप आइए प्लीज मैं लेके आता हूँ है ना अभी तो अपन है सारा हाँ अभी तो है अभी करते थोड़ा सा साइड में बैठ वाह
excellent. Mind blowing. Wonderful. Yeah, very good. Very good. अभी एक पैर एक सेकंड सर इमेजिन कर रही कुछ और ही दुनिया में ये मार देगा और सब्सक्राइब कीजिए भैया।